पाकिस्तान में तलबा यूनियन बहाली की तारीख अब समुंदर पार बरतानिया तक पहुंचाई। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी तलबा ने तलबा यूनियन की बहाली के लिए उस तारीख का साथ देते हुए मुतालबा किया है कि स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाए। पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है और हम साथ खड़े हैं, वी स्टैंडिंग विद द सॉलिडैरिटी एंड वी कंडेम दिस एक्ट ऑफ बैनिंग। इस सिलसिले में बरतानिया की स्विस यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए। इस मौका पर किंग कॉलेज लंदन के साबिक सदर मोहम्मद साकिब ने कहा कि तलबा यूनियन की बहाली से पाकिस्तान में नई लीडरशिप पैदा होगी। फंक्शनल स्टूडेंट यूनियंस पाकिस्तान में होंगी तो वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि उसके थ्रू स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट आएगा पॉलिटिक्स का, वो सीखेंगे अपने हक के लिए आवाज़ कैसे उठाई जाती है। अक्सर पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि ये स्टूडेंट यूनियन तो जी दंगा फसाद और लड़ाई की जगह है। नहीं, स्टूडेंट यूनियंस आर होम्स फॉर नॉलेज, होम्स फॉर प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स हु केयर अबाउट अदर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट यूनियंस के थ्रू पॉजिटिव चेंज आता है स्टूडेंट्स की जिंदगी में, सोसाइटी में और मुल्क में। अब अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं बैन हमने इसलिए की क्योंकि लड़ाई दंगा फसाद हो रहा था, तो हमें उसके अंदर से लड़ाई और दंगा फसाद निकालना चाहिए, स्टूडेंट्स यूनियन को बंद नहीं करना चाहिए। गाड़ी का अगर टायर पंचर होता है तो आप गाड़ी बंद नहीं करते, आप उसका टायर चेंज करते हो। और दूसरी बात, अक्सर पाकिस्तान में हम पॉलिटिकल पार्टीज की स्टूडेंट विंग्स को समझते हैं कि वो स्टूडेंट यूनियंस हैं, वो स्टूडेंट यूनियन नहीं होती। स्टूडेंट यूनियन एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो इलेक्ट होकर फिर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सिटी के सामने। अब जिस तरह जब मैं प्रेसिडेंट था, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को लॉबी किया, हमने मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा फंडिंग ली, हमने स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट लेड प्रोसीजर्स क्रिएट किए सेक्सुअल हरासमेंट को टैकल करने के लिए, हमने अपने प्रोफेसर्स की सपोर्ट की जब वो बेटर वर्किंग कंडीशंस मांग रहे थे। इतनी पूरा एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस चेंज होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि स्टूडेंट यूनियंस की बहाली करें और जिस तरह के इफेक्टिव एक सीखे कि किस तरह यूके में स्टूडेंट यूनियन चलती है। चैरिटी, रजिस्टर्ड चैरिटी होती है, ऊपर एक ट्रस्टी बोर्ड होता है, नीचे इलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। अगर ये पाकिस्तान में ये लोग ले आएंगे तो। इस मौके पर दिगर तुलबा ने समा से खसूसी गुफ्तगु करते हुए कहा कि पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। स्टूडेंट यूनियंस अगर बहाल होंगी तो हमारी एजुकेशन इंशाल्लाह एक अव्वल तरक्की याफ्ता मुल्क हम बनेंगे और एजुकेशन हमारी पूरी दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस के बराबर जाके लगेगी। आप ये देखें कि 60% ऑफ योर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज यूथ, आप क्या डेमोक्रेटिक राइट दे रहे हैं उन्हें कि दे हैव अ से इन देयर डिसीजंस। दिस इज एक्चुअली अ हाई टाइम कि हम लोग रियलाइज करें कि वो क्या मांगते हैं। तुलबा ने कहा कि स्टूडेंट यूनियन के हवाले से पाकिस्तान में एक गलत तासर है जिसको खत्म करते हुए तलबा यूनियन को बहाल करके उन्हें उनका बुनियादी हक दिया जाए। अबरार कुरैशी, समा, लंदन।